वो
तो बनारस पहुंचने के बाद में और ये डिसाइड नहीं था और ना ही हमको पता था, लेकिन हम एक ऐसी जगह पहुंच गए हैं जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा तो आपके होश उड़ जाएंगे। मैं पहुंच चुका हूं हिंदी के महान कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के घर पे। तो ये उन्हीं का घर है और हम बात करेंगे उनकी फिफ्थ जनरेशन। और ये भैया है, भैया आपका नाम? दीपेश चंद्र चौधरी। कौन सी आपकी है? जैसे भारतीय दुआओं की वंश परंपरा में हम लोग उनकी पांचवी पीढ़ी में आते हैं, ऐसा कि वो हमारे दादाजी के भाई थे। भारतेंदु बाबू की स्वयं तो एक कन्या थी, हम लोग उनके भाई बाबू गोकुल चंद जी के बच्चे थे। ओके। थोड़ा सा घर के बारे में बताइए। ये जैसे हम लोग का परिवार मुर्शिदाबाद से आया 1760 या 65, ये एग्जैक्ट नहीं पता, बैटल ऑफ प्लासी हुई थी तो उसके बाद यहाँ आए काशी। तो जो यहाँ आए सेठ हमी चंद के बेटे बाबू फतेह चंद ने इस घर को खरीदा या उनका ससुराल था, ये बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन तब से इस घर में हम लोग हैं। तो बाबू फतेह चंद का तो कोई छवि चित्र नहीं हम लोग के पास, उनके बेटे हैं बाबू हर्षचंद जी कहा जाता था। और इनका 1790 से 1842 समय काल था। इनके बेटे थे बाबू गोपाल चंद जी, जो यहाँ का व्यापार था बैंकिंग, हम लोग जो है बैंकिंग करते थे, महाजनी का व्यवसाय था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी उस समय थी उसको भी, और जो महाराज काशी नरेश उनको भी हम लोग फाइनेंस करते थे। उनके बेटे थे बाबू गोपाल चंद जी। तो इनके आने से सरस्वती का प्रवेश हुआ हम लोग के यहाँ, पहले तो लक्ष्मी थी। और फिर इनके दो बेटे हुए, एक बाबू हरिश्चंद और बाबू गोकुल चंद। हरिश्चंद जैसा आप जानते हैं जी हिंदी के जनक, बिल्कुल सही बात है, सारा इन्हीं को जाता है। ये हरिश्चंद्र भाषा उन्नति है सब, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जो सबसे है वो निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, पै निज भाषा ज्ञान बिन मिटत नहीं है को। और ऐसे बच्चे लोग जानते हैं अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी। वो नाटक इन्होंने लिखा है। अच्छा। बिल्कुल हाँ वही ना, सत्य हरिश्चंद। तो बहुत लोग इनको राजा हरिश्चंद से भी कंफ्यूज करते हैं, तो राजा हरिश्चंद दूसरे थे बाबू हरिश्चंद जी। फिर उनके भतीजे हैं बाबू ब्रजचंद जी और उनके बेटे बाबू कुमचंद जी, उनके बेटे बाबू गिरीशचंद जी। फिर तो इनके बाद में भैया जी तो कौन सी जनरेशन है? अगर भारतेंदु बाबू से देखा जाए तो पांचवी जनरेशन, है। बहुत बढ़िया। तो ये अभी जो हम जहाँ अभी हैं, तो ये क्या, इसको क्या बोलेंगे? अभी तो लिविंग रूम खाना है, बैठक खाना अभी इस समय, लेकिन पहले एक दीवान खाना हुआ करता था जी। तो उसमें जो है ज्यादातर भारतेंदु बाबू या जितने भी सब पहले का पुराना बैठक खाना, वही खूब बड़ा हॉल था। तो वो इस समय जो है जो उनकी कन्या विद्यावती जी थी जी तो उनके बच्चों का साड़ी का भारी व्यवसाय है बनारस में। अच्छा। तो अपना साड़ी का व्यवसाय, बनारसी साड़ी जो स्टार्ट हुई है वो 19 से स्टार्ट हुई है? नहीं, बनारसी साड़ी तो बहुत पुरानी, अच्छा बहुत पहले उन लोगों ने इस व्यवसाय को और आगे बढ़ाया। बढ़िया। तो अभी मैं आपको और थोड़ा सा दिखा देता हूँ घर करीब से। ये देखिए, ये सब लोग रहते हैं यहाँ पे। तो अभी जो पूरे घर देख रहे हैं, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का घर है और ये लिविंग रूम है और ये दादी जी यहाँ पे रहती हैं। यहाँ पे सेटिंग क्लीन कर रखा है मैंने पूरा। ये देखिए पूरा बढ़िया से आपको देखने मिल रहा है। मतलब हमारी किस्मत समझ लीजिए कि हम लोग यहाँ तक पहुँचे, और बहुत से लोग यहाँ आकर यहाँ रह कर के भी नहीं पहुँच पाते। तो इतने महान कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के घर पे आना हुआ है मेरा, तो मैं अपनी किस्मत को ही मानता हूँ कि मेरी किस्मत मुझे यहाँ तक लेके आई है और मेरी अच्छी किस्मत ही रही होगी। तो
ताकि मैं यहाँ तक पहुँचा, और ये जीना ऊपर जाता है, और ऊपर भी कई सारे रूम दे रखे हैं, यहाँ पे लोग रहते हैं, इनकी जो फिफ्थ जनरेशन है उसके सारे लोग यहीं रहते हैं। तो ये देख रहे हैं पूरा, और अभी यहाँ पर देखो पहले के जो हैंडीक्राफ्ट हुआ करते थे। भैया जी ये क्या है? पीतल का वर्क। पीतल का वर्क है? अच्छा। और ये बच्चों के लिए छोटे 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 देखिए झरोखे कैसे बना रखे, मतलब ये विंडो कैसे कितनी प्यारी लग रही है। थोड़ा सा इसको इधर भी क्या है यहाँ पर बढ़िया। और ये कमरे हैं यहाँ, ये वॉशरूम वगैरह सब बढ़िया से चल चलेंगे आगे बाहर गलियों में। आओ करीब से जानने का मौका मिलेगा आपको बनारस, गलियों में जब आते हैं आप तो करीब से जानने का मौका मिलेगा आपको। जब बात करोगे लोकल से कैसे वो लोग रहते हैं, क्या करते हैं, और क्या क्या डिफिकल्टीज हैं, उस बात से उनको पता चलता है। वैसे ही मेरी बात हुई है, एक छोटू है अपना, ये आंटी जी हैं, ये लोग रहते हैं, और मतलब इन लोग से बात करके एक अलग मतलब बनारस का जो देखने का नज़रिया है वो चेंज हो गया है। जैसा लगता है बनारस अंदर घुसो गहराई में जानो तो मतलब एक अपने आप में कुछ कहता है बनारस के, हाँ मैं हूँ बनारस, जानो मुझे, पहचानो मुझे। तो हमारे रिलेटर रमेश भाई बोलने इस बात पे, जो भी अदनान भाई ने कहा है शत प्रतिशत सही कहा है। यह शहर कहानियों से भरा है, और हमारा शहर ही नहीं हमारा देश कहानियों से भरा है, और ये शहर उन सारी कहानियों का केंद्र होगी। सही बात भाई। चलो हम जा रहे हैं दशामेश घाट की साइड, तो अभी फिलहाल हम गंगा में हैं और आगे चलेंगे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। ऐसी पिक्चर आपको जितनी भी गलियां हैं जितने भी गली मोहल्ले सब पे आपको मिलेंगी, और ये काशी की सूक्ति को बढ़ावा दे रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा एकदम बनारस का पूरा व्यू यहाँ से जो पॉइंट है, अगर यहाँ से बनारस आपको पूरा देखना है तो यहाँ से देख सकते हैं पूरा घाट का व्यू आपको दिख रहा है सुंदर व्यू, और नीचे लोग काफ़ी हैं, बोट वोट सब दिख रहा है आपको क्लियर ये।